और क्या क्या करेंगे आप? इज्जत से जिंदगी गुजारने के काबिल तो छोड़ा नहीं है आपने। अगर जिंदगी गुजारने के लिए मैं कुछ कर रहा हूं वो तो करने दे। इसके इस तरह पुलिस स्टेशन जाने से इंस्पेक्टर साहब क्या सोचेंगे मेरे बारे में? आसिम, अंबर को अक्ल आ गई है, वो बेवकूफी में कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। मैंने एहसन की फांसी का मुतालबा किया इंस्पेक्टर से। बहुत उलझ गए हम सब। इतना कुछ हो रहा है हमारे साथ और हमें जब आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है आप ये कर रही हैं। अम्मी, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं, मैं इसकी दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम सबकी दुश्मन नहीं हूं। मुझे गलत मत समझो, तुम लोगों को अंदाजा नहीं है वो आदमी क्या क्या कर सकते हैं हमारे साथ। क्या कर सकता है वो, क्या कर सकता है ज्यादा से ज्यादा? जान ले लेगा, ले ले जान मेरी वो। आसिम, आसिम क्या कर रहे हैं? पागल हो गए हो क्या? सोच रहे हो तुम उसको छोड़ूंगा नहीं, उसकी हिम्मत कैसे हुई इस दहलीज पे कदम रख लेने? भाई आसिम रुक जाओ, प्लीज क्या कर रहे हैं आप? क्या सोच रहे हो तुम? भाई मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपको वहां नहीं जाना चाहिए, बहुत खतरनाक लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। भाई वो कोई भी केस कर देंगे हम पर, हम हार जाएंगे, इतनी मेहनत की है हमने। ये गलती मत करें, उन्हें मौका मत दीजिए प्लीज। आसिम, अंबर और सुम्बुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपका किसी तरह भी वहां जाना मुनासिब नहीं है। जब वो आदमी केस खत्म करवाने के लिए और अपने बेटे को बचाने के लिए यहां तक पहुंच सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। उसको छोड़ूंगा नहीं, तुम सब कमरे में जाओ। आपने क्या चाहती हैं आप? कि हमारी इज्जत और हमारा नाम ना उछाला ना जाए। आप चाह रही हैं मैं केस वापस ले लूं, बुजदिल बन के घर पे बैठ जाऊं, सारे शहर में बेइज्जत होके रह जाऊं मैं? अम्मी बेटा, हम किसी और शहर में शिफ्ट हो सकते हैं जहां कोई ना जाने हमें, ऐसी कोई बात नहीं। और तुम्हारी कंपनी बड़े आराम से तुम्हें ट्रांसफर भी दे देगी। मेरी नौकरी खत्म हो गई है, निकाल दिया जॉब से। क्या, ये कब हुआ? तो बड़ा नुकसान हो गया आसिम। देखो अभी भी इतना कुछ नहीं बिगड़ा, तो मेरी बात मान जाओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ बेटा। आप कुछ मत कीजिएगा प्लीज, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये आपकी किए हुए का खमियाजा भुगत रहे हैं हम। अभी जो हुआ सो हुआ है,
लेकिन और बहुत कुछ हो सकता है बेटा, बस तुम ये केस छोड़ दो और उस लड़के को रिहा करवा दो। आपको पता है मेरे केस करने के बाद दो लड़कियां और सामने आई, उन्होंने गवाही दी, उनको हिम्मत मिली है मेरे आगे बढ़ने से। आप चाह रही मैं उनकी हिम्मत तोड़ दूं? वो लड़कियां तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। उनको उनके हाल पे छोड़ दो तुम। कितना सख्त दिल है आपका। हाँ ना, सख्त दिल होना पड़ता है ना, मैं माँ हूं, परेशान हूं अपने बच्चों के बारे में। अरे तुम क्या सोच रहे हो बेटा, ये सब कुछ रहने दो। देखो दुनिया में ना कोई भी किसी का दुख नहीं बर्दाश्त करता। अभी तो तुम समझ रहे हो कि पता नहीं क्या तुम कर लोगे, मीडिया आगे पीछे घूम रहा है तुम्हारे, कल को एक नया केस आएगा वो उधर चले जाएंगे। तुम्हें भूल जाएंगे, अकेले रह जाओगे। फिर यही एक माँ है जो खड़ी रहेगी तुम्हारे साथ। बेटा असफर उसका खानदान बहुत बड़े लोग हैं, हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। उसके बाप ने ना 5-6 महीने में उसको रिहा करवा देना है, तुम पूरी जिंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहोगे। और अगर वो जालिम लोग ना बदले पे उतर आए तो मैं अपने बच्चों को लेके कहां जाऊंगी। समझो मेरी बात, अगर तुमसे नहीं हो रहा ना, मुझे इजाजत दो, मैं थाने जाके सब संभाल लेती। आप कहीं नहीं जाएंगी अम्मी। सुंबल के मामले से पीछे हटने को कहा था मैंने आपको, और अब मना कर रहा हूं कि अंबर के मामले में आप बिल्कुल बीच में नहीं आएंगी। तो मैं खिलौना हो। मैं किसी का खिलौना नहीं। मैं अंदाजा है कि तुमने अपने भाई को कहां फंसा दिया। कितनी बेइज्जती होगी हमारे खानदान की। और न्यूज चैनल्स में जब टिकर्स चलेंगे ना हमारे नामों के साथ तो क्या करोगी तुम? अभी भी अपने नाम निहात इज्जत की फिक्र है आपको? मामा प्लीज छोड़ दो सुंबुल, ये हमें मारने के अलावा, बातें सुनाने के अलावा कर भी क्या सकती हैं? और जिस खानदान की आप बातें करेंगे ना, उस खानदान के बारे में आप हमें बातें नहीं सुनाएं, क्योंकि उसी खानदान का नाम बदनाम आपने किया है। उसी खानदान के लिए आपने कुछ नहीं किया बर्बादी के अलावा।